हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फ्री स्कूल लाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया था, जिसको हम मैसिव सिग्नल बोलते हैं या फिर बेस बैंड सिग्नल भी बोल सकते हैं, और इसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम सुपर इम्पोज करवा रहे थे एक हाई फ्रिक्वेंसी करियर वेव के ऊपर, और करियर वेव जो है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन नहीं होती। और जब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को करियर वेव के साथ सुपर इम्पोज करवाते हैं, तो जो रिजल्टिंग वेव हमें देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। और इस रिजल्टिंग वेव को हम बोल रहे थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है? जो हमारी रिजल्टिंग वेव है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, उसमें करियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो करियर वेव की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आज हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, जो कि एक साइन वेव की फॉर्म में होगा। इसको हम MT से डिनोट करेंगे। इसको हम मैसिव सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल भी बोल सकते हैं। इस सिग्नल में इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। ये सिग्नल जो है एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। इसको हम सुपर इम्पोज करवाएंगे एक हाई फ्रिक्वेंसी करियर सिग्नल के ऊपर, और करियर सिग्नल को हम डिनोट करते हैं CT से, और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं होती। जब हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करवाएंगे तो जो रिजल्टिंग वेव आपको मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर होगा क्या कि ये जो करियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगी, और करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। देखिए, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो जो करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर सिग्नल। और जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, लोअर हाफ साइकिल आएगा, तो करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, वेव्स जो है उनमें काफी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। और फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है करियर सिग्नल की फिर दोबारा से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में? करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी कर रही है इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जबकि करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट रह रहा है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप एग्जाम में ये ड्रॉ करके आएंगे, और इसको आप स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे, इसका थ्योरी पार्ट आइए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FM से डिनोट करेंगे। इन FM द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वाइल द एम्पलीट्यूड ऑफ द करियर वेव रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है? करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और जो रिजल्टिंग वेव आपको मिलती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, वो कुछ इस प्रकार से होती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी करियर सिग्नल की, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी करियर सिग्नल की, एंड सो ऑन। इस तरह से
करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होगी इन अकॉर्डेंस विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जबकि जो एम्पलीट्यूड करियर सिग्नल का होगा वो एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम डिनोट करेंगे एसटी से। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम ड्राइव करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो स्टूडेंट्स अब हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आप हेडिंग बनाएंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके एक्सप्रेशन में हमारे पास तीन सिग्नल्स हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, करियर सिग्नल और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इन तीनों को हम पहले एक मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लिखेंगे इसमें लेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम टी से और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एम कॉस ओमेगा एम टी, जहां पर ए एम है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दिस इज योर ए एम, दिस वैल्यू इज योर ए एम। तो ये ए एम जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा एम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओमेगा एम को हम ऐसे लिख सकते हैं 2πfm, जहां पर fm है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो आपका mt हो जाएगा am cos 2πfmt, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। लेट द करियर सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज, इसी प्रकार से हम करियर सिग्नल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, करियर सिग्नल को हम ct से रिप्रेजेंट करेंगे और करियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम ac से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा ac cos 2πfmt, FM की जगह आ जाएगा FCT, जहां पर FC है फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर सिग्नल। और ये बात ऑब्वियस है कि जो FC होगा वो FM से ज्यादा होगा, करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड एज, इन दोनों को सुपर इम्पोज करवाने पर जो हमारी रिजल्टिंग वेव होगी जिसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, उसको हम डिनोट करेंगे ST से। तो आप लिखेंगे ST इज इक्वल टू, ये जो FM मॉड्यूलेटेड वेव है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर ही है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो AC ही होगा। इसका जो फेस होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहां पर पुट करनी है और फिर हमें आगे बढ़ना है और ये सारे स्टेप्स हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन बाय, जो हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है जबकि एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रह रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की एक पर्टिकुलर टाइम पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जिसको हम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, वो होगी, उसको हम डिनोट करेंगे एफ आई टी से और ये होगी हमारे पास जितनी करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है एफ सी और ये वेरी कर रही है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्लस एम टी लगाएंगे और एम टी को मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्स्टेंट से, जिसको हम बोलते हैं के एफ और के एफ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर। तो ये होगी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, वेयर के एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर, इसको हम इक्वेशन 4 देंगे। द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई एंड थीटा आई इज गिवन बाय, हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड थीटा में क्या रिलेशन होता है, वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। So, instantaneous angular frequency omega i at time t will be equal to time derivative of theta i at time t. तो omega को हम expand करके लिख देते हैं 2 pi f i t is equal to d theta i t by d t, cross multiply कर देते हैं तो d theta i t की value आ जाएगी 2 pi f i t और ये d t जो है यहाँ पर multiply में चला जाएगा, ये हमारी fifth equation होगी। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो दोनों तरफ आप यहाँ पर और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इंटीग्रेशन डी थीटा आई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 पाई एफ आई टी डी टी इज इक्वल टू 6, ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। थीटा आई टी का जो इंटीग्रेशन होगा टी के रिस्पेक्ट में, उसको हम थीटा से डिनोट कर देंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिमिट ले लेंगे 0 टू टी,
तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट, इसको आप बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 0 to t f i t dt। अब यहाँ पर हम एफ आई टी की वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to t, और एफ आई टी की वैल्यू हमारे पास एफ सी प्लस के एफ, और साथ में है आपके पास एम टी, और यहाँ पर आप बड़ी ब्रैकेट लगा के यहाँ पर डी टी जो है वो जरूर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे के डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, पिछले सेक्शन में हम थीटा की वैल्यू को यहाँ तक निकाल चुके थे, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to t एफ सी डी टी प्लस 2 पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन एम टी डी टी, 0 to t लिमिट ऐसी रहेंगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एफ सी जो है वो बाहर ले लेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एफ सी यहाँ पर एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और यहाँ पर आप एम टी की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि एम टी की वैल्यू है ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, तो इस एम टी की जगह आप लिख देंगे ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी डी टी 2 पाई के एफ, ऐसी रहेगा, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में टी, तो आपके पास थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए एम कॉन्स्टेंट इसको आप बाहर ले लेंगे, कॉस 2 पाई एफ एम टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा साइन 2 पाई एफ एम टी डिवाइडेड बाई कॉन्स्टेंट 2 पाई एफ एम, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए टी डी टी क्या होता है, वो होता है साइन ए टी बाई ए, तो ए यहाँ पर 2 पाई एफ एम था तो वो नीचे आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 2 पाई से 2 पाई जो है वो कैंसिल कर देंगे, और आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी टी प्लस के एफ ए एम बाई एफ एम, और जब आप लिमिट्स पुट करेंगे 0 t, पहले t की जगह t पुट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 2 पाई एफ एम टी, फिर t की जगह आप 0 पुट करेंगे और साइन 0 जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई थीटा की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करना है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, और ये हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम थीटा की वैल्यू निकाल चुके थे, वो ये निकल के आई थी, ये 7th इक्वेशन थी। अब इस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। इससे पहले कि हम थीटा की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करें, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर कॉस था ना कि साइन। हम शुरू से ही सारी वेव्स को, चाहे वो मॉड्यूलेटिंग वेव हो, चाहे करियर वेव हो, चाहे हमारी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वेव हो, उसको हम कोसाइन मैथमेटिकल फंक्शन से ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, पिछले सेक्शंस में यहाँ पर कॉस ही आएगा। तो अब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम 7 in 3 वी गेट एस टी इज इक्वल टू ए सी एज इट इज कॉस एज इट इज, और ये थीटा की पूरी वैल्यू ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई एफ सी टी प्लस के एफ ए एम बाई एफ एम साइन 2 पाई एफ एम टी। अब ये स्टूडेंट जो आपको दिखाई दे रहा है के एफ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई ए एम विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये कॉन्स्टेंट होता है और इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो इसको हम एम एफ से डिनोट करेंगे इस टर्म को। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम एफ साइन 2 पाई एफ एम टी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। यहाँ तक इक्वेशन आपकी ड्राइव हो जाती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, जहां पर एम एफ है के एफ ए एम बाई एफ एम इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ये जो आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है ऊपर न्यूमिरेटर में फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये जो प्रोडक्ट है के एफ इंटू ए एम, इसको हम डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं, एम एफ इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ एम, वेयर डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ ए एम। डेल्टा एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी एंड नॉर्मल करियर फ्रीक्वेंसी। जो हमारी करियर फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल केस में और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वेव में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कितना डेविएशन आ रहा है, कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है फ्रॉम नॉर्मल करियर फ्रीक्वेंसी, उसी डिफरेंस को ये डिनोट करता है डेल्टा एफ, और इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन। देखिए स्टूडेंट्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बेसिस पर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर।
तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF की वैल्यूज के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF। एक होगा नैरो बैंड FM, एक होगा वाइड बैंड FM। इधर हम लिखेंगे फीचर्स ऑफ नैरो बैंड FM, इधर हम लिखेंगे फीचर्स ऑफ वाइड बैंड FM। तो पहला फीचर है इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगा वो लेस देन 1 होगा, यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। इट हैज स्मॉल बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ स्मॉल रहेगी, इसकी बैंडविड्थ जो है वो इनफाइनाइट रहेगी। इट स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ कैरियर अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, इसके स्पेक्ट्रम में आपको तीन ही कॉम्पोनेंट्स दिखाई देंगे, एक ओरिजिनल कैरियर सिग्नल वाला कॉम्पोनेंट, एक कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कॉम्पोनेंट जिसको हम बोलेंगे अपर साइड बैंड USB, और एक कॉम्पोनेंट ऐसा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से स्लाइटली कम होगी, उसको हम बोलेंगे लोअर साइड बैंड LSB। इट स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ करियर एंड नंबर ऑफ साइड बैंड विच आर लोकेटेड अराउंड इट, इसमें करियर तो होगा ही होगा, साथ में करियर के राइट साइड में लेफ्ट साइड में बहुत सारे आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइड बैंड जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इट इज यूज इन मोबाइल कम्युनिकेशन लाइक पुलिस वायरलेस टैक्सी कैब एक्सेट्रा, लोकल कम्युनिकेशन करना हो अगर आपने जैसे पुलिस वायरलेस सिस्टम हो गया, टैक्सी कैब्स में जो हम कम्युनिकेशन यूज करते हैं वहां पर हम नैरो बैंड FM का यूज करते हैं। इट इज यूज इन एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन लाइक रेडियो TV एक्सेट्रा, अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें जहां पर हमें मल्टीपल चैनल चलाने हो, मल्टीपल रेडियो स्टेशन ट्यून करने हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं वाइड बैंड FM का। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ, टिल देन टेक केयर।